हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपालीस एक्टिविटी। गाइस, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां और रंगों से भर जाए, ये मैं विश करती हूँ। और आज गौरांग महाप्रभु का जन्मोत्सव है, तो गौरांग महाप्रभु के जन्मोत्सव के दिन आप सबको मैं ढेर सारे विश करती हूँ, ढेर सारे बधाइयां देती हूँ। गौरांग महाप्रभु आप सबको ब्लेस करे। गौरांग महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है। तो राधा कृष्ण आप सबको ब्लेस करे, आप लोग खुश रहिए और आपके जिंदगी में जिंदगी खुशियों से भर जाए, रंगों से भर जाए। तो आप सबको हैप्पी होली। तो आज हैप्पी होली शुरुआत होती है शामों से, राधा कृष्ण से, जिनसे ये होली का प्रचलन हुआ है। राधा कृष्ण ने बहुत खेली थी गुलाल रंग, और उसी तरह हम लोग भी आज खेलने वाले हैं। देखिए श्यामू कितना प्यारा लग रहा है होली के साथ। हैप्पी होली श्यामू। तो यहाँ पे जो है, मैं चुपके से होली लगाने की कोशिश कर रही थी दीदी को, उनको पता नहीं था। ये रही होली भाई, होली लगाओ भाई। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं ऊपर भैया लोगों को लगाने, मतलब दीदी लगाएंगी, मैं तो बस देखूंगी, वीडियो करूंगी। तो यहाँ पे जो है दीदी लगाने जा रही है मेरे भैया को होली, पर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती वहाँ जाके। नेक्स्ट बीच वाले भैया को लगा रही है, हम तो लगा नहीं सकते, हम प्रणाम करेंगे। भाभी के घर होली लगा। भैया भाभी का खाना को लगा दिया। चलो हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो हम लोग का होली लगाना हो गया, अब हम जाए हैप्पी होली। खेल रहे हैं गाइस, आज तो मैं नीचे नहीं जा सकती, वरना मैं जाती। आज ग्रहण शुरू होने वाला है, ग्रहण शुरू होने वाला है तो नहीं जा सकती। बस ग्रहण शुरू होने से पहले मनाया, क्योंकि होली तो मनाने का त्योहार है। सो गाइस, जैसे कि आज है ग्रहण, थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा ग्रहण, तो ग्रहण से पहले जितना हो सके मैंने मना लिया, क्योंकि होली है भाई, होली तो मनाने का त्यौहार है। सो इसीलिए मैंने ग्रहण से पहले मना लिया, बस घर वाले मिल के मनाया और क्या। लेकिन मेरी ब्लॉग जो है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आई हैंड ओवर माई ब्लॉग टू माई हबी। सो हबी कंटिन्यू करेंगे। ग्रहण शुरू होने वाला है, 3:01, सो 3 बजे तक ग्रहण रहेगा। तो इसीलिए मैं ग्रहण की तैयारी, ग्रहण के लिए मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। मैंने खा भी लिया था सुबह सुबह। गाइस, लेट मी शो यू कि मैंने आज क्या बनाया है। ये दाल बनाया है, और यहाँ पे जो है मटर करी बनाया है,
और यहाँ पे मेरा चावल है और यहाँ मैंने फ्राई किया है ड्राई फ्राई आलू और चना। गाइस आज गौरांगा महाप्रभु के जन्मोत्सव पर प्योर वेज बनाया है और सुबह सुबह बनाया है इसलिए मैं क्लिप नहीं ले पाई, बहुत जल्दी बनाया है और मैंने खा भी लिया इसलिए मैं खाने के बाद ही बता पा रही हूँ। सो दिस इज़ माई प्लेट, लुक्स लाइक दिस। यहाँ से देख रहे हैं, जाओ ना खेलो भैया लोगों के साथ। देखो भैया लोग खेल रहे हैं। बाबू खेलने जाओ ना, डर लगता है। बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? डर लगता है, भाभियों से डर लगता है। जाओ खेलने जाओ ना, डर क्यों लग रहा है? भाभी लोगों से डर लग रहा है। इतना जोर जोर एक एक बाल्टी पानी उठा के मारेगी। बोलो क्या है? तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था मैं अपने पति को हैंडओवर करूंगी, सो मेरे पति रिकॉर्ड कर रहे थे तो चलिए मज़ा लेते हैं कि बाहर क्या चल रही है। मैं तो नहीं बाहर निकल सकती थी, सो वीडियो के थ्रू मैं भी मज़ा लेती हूँ। रिकॉर्ड करने गए थे, अब मेरी वजह से बच्चों ने ही बैंड बजा दिया है। सो गाइस मैंने इनसे बोला था बच्चों के क्लिप ज़रूर लेना क्योंकि बच्चे जो है ना माहौल बनाते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा बच्चे ही पसंद है कि हर कोई सा भी त्यौहार हो प्रोग्राम हो जहाँ पे बच्चे होते हैं एक अलग सा माहौल ही बना देते हैं। यहाँ देखिए गाइस कैसे खेल रहे भाभियाँ, लठमार वाला खेल खेल रहे हैं कपड़ों से। मेरे पति ने मार नहीं खाए, खैर शुक्र है, सही है ये वाला। मैं भी होती तो मजा करती वीडियो लेने में। सो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हैं बाहर कैसे मस्ती कर रहे हैं सब लोग मिलके, पर मेरे पति जो है अपना क्लोज़अप व्यू अपना खुद का ही नहीं उठाया। खैर छोड़िए, अगर मैं होती तो उठाती। बहुत मिस किया इस साल मुझे देखे ना, मुझे भी जाने का मन कर रहा है, वहाँ पर जाके डांस और खेलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन चलिए ग्रहण की वजह से बाहर निकल नहीं पाए। आप लोगों ने भी मस्ती किया होगा वीडियो देख के और आपका होली भी अच्छा गया होगा। कैसे खेल के आए भगवान, है पूरा भीग गए, भाभियों ने भिगा दिया। वाह, भाभियों ने भिगा सही है, ऐसे ही खेलना चाहिए।
सो गाइज, आई होप इस साल की होली आपका भी बहुत अच्छा गया होगा और हमारा भी अच्छा गया। सुबह सुबह खेल लिया तो एटलीस्ट खेल तो पाए। सो थैंक यू गाइज यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड अगेन आप सबको हैप्पी होली। अब मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग पे। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हर पलों का आनंद उठाए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।